अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय होम्स कुकिंग चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे टब केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे घर पे बहुत ही इजीली बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे इस तरह से एक कंटेनर, जो कि आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट लेयर जो है वो चॉकलेट स्पॉन्ज केक की लगाएंगे और इस स्पॉन्ज केक को हम अच्छे से सोक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे नॉर्मल वाटर से सोक करेंगे। इसे सोक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है हमारा चॉकलेट का, वो वैनिला स्पॉन्ज से थोड़ा ड्राई होता है चॉकलेट वाला। तो इसीलिए हमें इसे सोक करना ज़रूरी है। इससे जो हमारा स्पॉन्ज है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लगता है, केक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब ये हमारी रही सेकेंड लेयर जो है, वो व्हिपिंग क्रीम से हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे नूर एंड वन नोज़ल का यूज़ किया है। तो अब हम इस पे डालेंगे ढेर सारा भर के चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट को बारीक क्रश करके डाल दी हूँ। तो अब हम यहाँ पे फिर से चॉकलेट स्पॉन्ज केक की लेयर डाल देंगे तो और इसे फिर से सोक करेंगे। और चॉकलेट स्पॉन्ज केक की जो रेसिपी है, इसे हमने प्रीमिक्स से बनाया है स्पॉन्ज केक को, तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल दी हूँ। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि स्पॉन्ज केक जो प्रीमिक्स से कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है वो भी, तो आप देख सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर फिर से लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। इसे अब हमने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बना लिए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। तो उसके बाद अब हम इस पे डालेंगे चॉकलेट सिरप। चॉकलेट केक है यानी कि, तो हम इस पे ऑफकोर्स चॉकलेट सिरप डालेंगे। और इस पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलरिंग जेम्स। तो ये डालने से हमारा केक और भी अच्छा लगेगा। आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो डेकोरेट के लिए, या फिर जो कलरिंग स्प्रिंकल्स आते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा टब केक बनके रेडी है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।